युवा कबड्डी सीरीज मैच नंबर 87 खेला जाएगा विजयनगर वीर्स वर्सेस तड़ोबा टाइगर्स के बीच में। दोनों टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, दोनों टीम्स की क्या पॉइंट्स टेबल में पोजीशन है, और ये भाई इस राउंड का लास्ट मैच है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें दोनों टीम्स की, तो सभी प्लेयर्स के बारे में बताऊँगा, कौन सा प्लेयर विन करवाएगा, कौन सा प्लेयर रिस्की रहेगा, जिसको आप ड्रॉप करोगे तो ही विन कर पाओगे, एक एक डाउट आपका क्लियर करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि भाई जो भी वीडियोज वगैरह है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। उन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो जगह जहां पर भाई आपको फाइनल टीम मिलेगी। बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो अभी के अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक दे रखा है। अब चलिए भाई बात करते पॉइंट्स टेबल की, तो यहां पर भाई विजयनगर वीर्स की बात करेंगे, नंबर एक की पोजीशन पर है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये अगर ये मैच जीतते हैं या हारते जो भी होता है तो भी भाई ये ऑलमोस्ट नंबर एक की पोजीशन पर ही रहेंगे। वहीं अगर आप देखोगे तड़ोबा टाइगर्स तो ये नंबर पाँच की पोजीशन पर है। अगर ये मैच ये जीत जाते अच्छे मार्जिन से तो फिर भाई ये थोड़ा ऊपर बढ़ के नंबर चार की पोजीशन पर चले जाएंगे, अदरवाइज ये नंबर पाँच पर ही रहेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें भाई कौन सी टीम स्ट्रांग रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई विजयनगर वीर्स थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू तड़ोबा टाइगर्स। इन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, ठीक है। इन्होंने छः मैच खेले, मैच इनके टाई रहे थे। अब अगर बात करें भाई टीम की, तो चलिए आपको टीम बना के दिखाते हैं, प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, और भाई यार वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अब चलिए भाई सीधा चलते हैं ड्रीम इलेवन ऐप पर। तो यहाँ पर भाई अगर बात करें तो विजयनगर वीर्स की पहले बात करेंगे, बाद में बात करेंगे तड़ोबा टाइगर्स की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे विजयनगर वीर्स को, तो इनकी तरफ से डिफेंस में कौन दिखेगा, एस नाडीगुडी, जो लास्ट मैच खेला नहीं, अगर खेलता है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, कवर की पोजीशन पर डिफेंस करता नजर आएगा। एस तेजावत कॉर्नर पर भाई बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लास्ट मैच में भी तीन टैकल है, उससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखिए चार टैकल है, उससे पहले भी हर एक मैच में अच्छा किया इन्होंने, जरूर बैक कीजिएगा। ए कुमार सनेम जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट एज ए डिफरेंशियल पिक आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। वी तुमाला की बात करें तो लास्ट मैच खेले और चार टैकल करके आ रहे हैं, ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट यहां पर भाई इन्होंने परफॉर्मेंस दिया इस मैच में, अगर खेलते तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। वी कृष्णा पुल्ली कैसी की बात करें तो इन्होंने भी लास्ट मैच में दो टैकल निकाले, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी आपके लिए रहेंगे। तो यहां से जो मस्ट पिक रहेंगे वो कौन रहेंगे, एस तेजावत और यहां से भाई वी तुमाला। अगर ये नहीं खेलता तो उस कंडीशन में वी कृष्णा पुल्ला काशी। ऑलराउंडर सेक्शन में एस औरंगुटी, लास्ट मैच में भाई बंदे ने क्या ही कमाल किया है, 18 टच पॉइंट, 2 बोनस पॉइंट, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंशियल पिक रहे। और सीवीसी भी आप इन्हें दे सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो आप देखी होगी तो मैंने इन्हें वीसी भी दिया था, ठीक है, आप जाके देख सकते हो विजयनगर वीर्स की जो लास्ट वीडियो मैंने मेरे चैनल पर, मैंने वीसी या कैप्टन इन्हें ही दे रखा था। अब अगर बात करें कुंती गोरला की, तो इनकी बात करें तो जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट अगर आप चाहो तो स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। वी कुमार कोयलाकर की बात करें, ये भी भाई लास्ट मैच में डिफरेंशियल पिक रहे, 3 टच पॉइंट, 2 बोनस, 2 टैकल पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनकी टीम के ना ऑलमोस्ट सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप ये सोचोगे कि भाई ड्रॉप किसे करना है। यहां से बात करें एस बानोटू की, तो इन्हें भी आप अपने जीएल मिनी जीएल की टीम में सीवीसी कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में मस्ट हैव पिक जरूर रहेंगे, बट सीवीसी का थोड़ा सा डाउट रहेगा। आर काट बाटनी की बात करें, इन्होंने भाई यहां पर कुछ खास इंप्रेस नहीं किया, हालांकि आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो एज ए सेफ पिक। अब अगर बात करें सामने वाली टीम की, तो यहां पर आपको दिखेंगे अमित देव सिंह, जो लगातार अच्छा कर रहे लास्ट के कुछ मैचेस से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। लास्ट मैच में भी आप देखिए 1 टच पॉइंट, 1 बोनस और 4 टैकल पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। वहीं अगर आप देखोगे राजन मनहास की, तो जीएल मिनी जीएल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज कंपेयर टू स्मॉल लीग। वहीं अगर आप देखोगे भाई यहां पर आर सिंह को, रोहित सिंह, स्टार्टिंग के मैच में भाई गजब परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी, 2 टैकल निकाले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे थे, अगर आप चाहो तो बैक कर सकते हो, एज ए डिफरेंशियल पिक जरूर काम कर सकते हैं, बट मस्ट हैव पिक में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। ए लालोत्रा की बात करें, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में काफ़ी ज़्यादा रिस्की आपके लिए रहने वाले हैं। रेडिंग सेक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ से रिदम शर्मा अगर खेलता है तो आप इन्हें फिर से बैक कर सकते हो, यहाँ से आई अहमद मीर तो मस्ट हैव पिक रहेंगे ही, लास्ट मैच में भाई इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, सुपर 10 लगाया, इसके अलावा 2 बोनस निकाले, 1 टैकल भी
निकाला हुआ है। वहीं अगर आप देखो भाई रेडिंग सेक्शन में अजय कुमार को, तो लास्ट मैच ये खेल कर आ रहे हैं, 7 टच पॉइंट इन्होंने भी निकाले, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। पी कुमार लास्ट मैच में भाई इनकी बात करें तो इन्होंने भी 3 टच पॉइंट, 1 बोनस, 1 टैकल निकाला हुआ है, इंपॉर्टेंट ये भी रहेंगे। बट ट्राई किसे करना है, टीम कैसी बनेगी, वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगेन आपको याद दिला दूँ, अभी हम जो भी बात करेंगे, जो भी टीम मैं आपको बना के दिखाऊंगा, वो महज एक डेमो टीम या प्रिडिक्शन टीम होगी। फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बिना टेलीग्राम चैनल आप विनिंग नहीं कर पाओगे। चलिए भाई अब यहाँ से बात करते हैं, एस तेजावत को मैं टीम में रख रहा हूँ, वी तुमुला को मैं टीम में रख रहा हूँ। नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ से आर सिंह आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम जरूर कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं अमित देव सिंह को ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ से एस औरंगुटी को टीम में रखेंगे। रेडिंग सेक्शन में मैं अपनी टीम में रखूंगा आई अहमद मीर को, इसके अलावा एस बानोटू को टीम में रखूंगा। नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ से भाई जी पुट्टा एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, लास्ट मैच में भाई बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो अभी के लिए मैं इन्हें लेकर चलूंगा। अगर ये नहीं खेलते हैं तो फिर भाई देखेंगे किसे लेना, बट अभी के लिए इसे ही लेकर चलूंगा। यहाँ पर अगर बात करें कैप्टनसी की, तो एस औरंगुटी को कैप्टन दूंगा, आई अहमद मीर को वी सी दूंगा। आप चाहो तो सी वी सी को रोटेट कर सकते हो, अमित देव सिंह, एस तेजावत और दूसरे भाई अच्छे सी वी सी के ऑप्शन रहेंगे। टीम प्रिव्यू की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पर है। अब ये जो टीम है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल है, अगर आप चाहो तो आप इसके साथ भी जा सकते हो, या टीम में कोई छोटे मोटे चेंज अगर करने हुए तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।